Do you guys remember when even Shah Rukh Khan had to speak in German? Ist der Dich in St. Hagen in Frankfurt. Aber gerade ist es keine gute Zeit für mich. One of my close friends, who's a citizen of Germany, told me that if you plan to come to Germany and you don't know German, it would be similar to eating butter chicken without the chicken. So the point is, if you plan to go to Germany and settle in Germany, you should definitely know German. If you plan to go to a city in Germany, let's suppose Frankfurt, probably you'll find 50, 60 or even 70% people who might be speaking English. But let's suppose you plan to move towards the countryside, you'll hardly find any people. You'll hardly find 5 to 10% people who would be speaking English. But on the other hand, let's suppose you plan to move towards the eastern Germany side, this region. In this region, English is not spoken that often, but they rather prefer speaking in German. So, that being the first major con of Germany, that you will have to learn German, and German is not an easy language to learn. But it is also a pro. If you end up learning German, you can easily move to even Switzerland, even Luxembourg. There are many other countries that speak German. So German does not only help you with Germany, but many other neighboring countries as well. That's a little known fact. But when I say that, another con is, let's suppose you want to get a citizenship of Germany, you will have to learn German. I mean, B2 level German is at least what would be required. Even if you end up marrying a person in Germany and then getting a citizenship via marriage route would also require you to learn German. So Germans are very comfortable and they have a prestige in their own language, unlike some of us. I guess, okay, wait. Now I'll make this video in Hindi. तो जर्मनी की बेस्ट चीज़ क्या है, वो अपनी मदर टंग को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. उससे क्या होता है, एक जो नेशनैलिटी वाला स्पिरिट होता है ना, एक जो अपना हम लोगों को एक बॉन्ड कनेक्ट करता है, वो और ज़्यादा इग्नाइट हो जाता है. तो दैट इज़ वाई अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज़ समथिंग इवन वी शुड फोकस ऑन. तो इतना तो हम लोग समझ गए कि जर्मनी की सबसे वर्स्ट चीज़ है कि उनकी लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी. अपनी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं पीछे रखना पड़ेगा और उनकी लैंग्वेज हम लोगों को सीखनी पड़ेगी. चलो एक सेकंड के लिए वो भी समझ आता है. बट सेकंड वर्स्ट चीज जो जर्मनी की है, टैक्सेस. आप 40% टैक्सेस तक पे कर रहे होगे अगर आप हाई इनकम ब्रैकेट में आ जाओगे, जो कि बहुत ईजी होता है हाई इनकम ब्रैकेट में आ जाना. जिसका मतलब है, दूर से देखने को अच्छा लगेगा, बट जिसका एक एक्चुअल मतलब है, अगर आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी बनती है तो आप करीबन 38,000 रुपीज खाली खाली टैक्सेस में दे रहे होगे. उसका जो बाकी सारे खर्चे होते हैं वो अलग. तो अगर मैं एक एवरेज सैलरी लेके चलूं जो कि 60 लाख रुपीज जर्मनी में होती है, आप अज्यूम करो 60 लाख रुपीज कितना बन जाएगा. आई गिव यू 3 सेकेंड्स. 60 लाख रुपीज है, 35% का एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट लगा के चलना, उसके बाद फिर खर्चे अपने हिसाब से जोड़ लेना. आपको क्या लगता है 60 लाख रुपीज कितना बनेगा? 3 सेकेंड्स. 60 लाख रुपीज आपको 8 लाख रुपए की फाइनल सेविंग होगी. अगर आप इंडियन हो, जर्मनी में रह रहे हो, 60 लाख रुपीज पे एक एवरेज लिविंग पे जो आप इंडिया में लिविंग ले रहे होगे एट अ 20 लाख रुपीज की सैलरी, उस पर आपको 8 लाख रुपए बचेगी. तो जर्मनी के 60 लाख इज एक्चुअली इक्वल टू इंडिया के 20 लाख रुपीज. एट द सेम टाइम, इंडिया में यू विल बी क्लोज टू योर फैमिली, जर्मनी में यू विल नॉट बी क्लोज टू योर फैमिली. थर्ड मेजर कॉन जो मुझे जर्मनी में लगा, इट इज नॉट फ्रेंडली एट ऑल. मतलब कनाडा में क्या होता है, जब आप रोड पे चल रहे होते हो, वहां से कोई इंसान आ रहा होता है, यू कैन से हे कैसा चल रहा है, मतलब कैसा चल रहा है, हे हाउ इज योर डे. बट उनका रिस्पॉन्ड आता है, उनका रिस्पॉन्स अच्छा आता है और वो बात करते हैं और कॉन्वर्जेशन बनती है. सेम हैपन्स विद यूएस, सेम हैपन्स इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल, सेम हैपन्स इन यूके एज वेल. बट जर्मनी में दिस इज नॉट कॉमन एट ऑल. मतलब जब मैं पहली बारी अपनी जर्मन फ्रेंड से मिला था, मैंने उसको हे किया था, उसके लिए बहुत वियर्ड था. मतलब दैट इज समथिंग दैट शी टोल्ड मी बहुत लेटर, कि वो काफी वियर्ड था कि समवन रीच्ड आउट एंड सेड हाय. दैट्स अ वेरी वियर्ड थिंग. वैसे इंडिया में भी काफी वियर्ड होता है ना, जब हम लोग ऐसे रोड पे चल रहे होंगे, हम लोग ऐसे किसी को हाई बोल देंगे, दैट्स अ वेरी वियर्ड थिंग ना. तो हाँ, वो उस सेंस में जर्मनी जैसा है, बट इन जनरल भी अगर देखा जाए, उसके पोलाइटनेस के मुकाबले जर्मनी बिल्कुल भी पोलाइट नहीं माना जाता है. बिल्कुल ऑन योर फेस होते हैं एंड एकदम जो उन लोगों को गलत चीज लगेगी आपके मुंह पे बोलेंगे. फोर्थ कॉन जो मुझे लगता है, विंटर्स बहुत हार्श है. मतलब कनाडा को रहने दो, कनाडा के बाद सेकंड वर्स्ट तो मैं जर्मनी को ही मानूंगा. बिकॉज 120 दिन का ही आपको अच्छा टाइम मिलता है. 120 दिन के अलावा जो बाकी 240 दिन होते हैं, 245 डेज, वो गंदा विंटर ही रहने वाला है. बहुत तेज हवाएं और मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है. तो दैट इज वन मेजर कॉन आई फील लाइक इन जर्मनी. ऑन द अदर हैंड, अगर हम यूके के बारे में भी बात करें, अब देखना मैप में यूके ज्यादा ऊपर है, जर्मनी नीचे है. तो उससे लगता है जो जो इक्वेटर के पास कंट्रीज होती है वो ज्यादा गर्म होंगी, बट दैट इज नॉट ट्रू विद जर्मनी.
जर्मनी काफी ज्यादा ठंडी जगह है एज अपोज टू इवन यूके. यूके में बस बारिश ज्यादा गिरने वाली, बट टेम्परेचर आर इनफैक्ट बेटर इन यूके एज अपोज टू जर्मनी. फिफ्थ मेजर कॉन ऑफ जर्मनी इज बियर कल्चर. अब बियर कल्चर मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कल्चरल शॉक था, बिकॉज जर्मनी में हर एक बंदा एक्सपेक्ट्स टू मीट यू ऑन अ बियर, एंड मैं नहीं पीता. तो जब मैं कोक वहां पे ऑर्डर करता था, दे ऑलवेज यूज टू बी लाइक वाई आर यू नॉट टेकिंग बियर, एंड मेरे पास एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता था. तो इट कैन बी अ कॉन फॉर यू, इट कैन नॉट बी अ कॉन फॉर यू, बट दैट वॉज अनदर कॉन फॉर मी. इसके बाद वाली चीजें एक्चुअल कॉन्स नहीं है, बट इसके बाद वाले चीजें एक्चुअल टिप्स है जो मुझे समझ आए हैं आफ्टर बींग फ्रेंड्स विद सो मेनी पीपल फ्रॉम जर्मनी. Those were the cons of Germany. अब मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो आई वुड रिकमेंड आप ये वाला वीडियो देख लेना, बिकॉज अब मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कॉन्स के लिए देखने चाहते थे, दैट वॉज हियर. अब नेक्स्ट वीडियो आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू वॉच दिस, एंड जो स्टोरी सुनना चाहते हैं वो सुनो. तो बेसिकली क्या हुआ था, जब मैं कैनेडा में था मेरे दो बहुत अच्छे जर्मन दोस्त बन गए और दो फ्रेंच दोस्त बन गए. अब हम लोग पाँच लोग टेबल पे थे, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दी इंडियंस की, तो बर्दाश्त नहीं हुआ कुछ टाइम के बाद. पहले मतलब मैं भी जोक जोक में ले रहा था, फिर कुछ टाइम के बाद बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं स्टार्ट हो गया. आई न्यू फ्रेंच हिस्ट्री, आई न्यू जर्मन हिस्ट्री, तो मैं कंटिन्यूस रिमार्क्स बनाते गया, मतलब हैंड सिग्नल्स करते गया, ऐसे फनी जोक्स क्रैक करते गया, टिल अ पॉइंट जर्मन्स ऑफेंड होने लग गए. एंड हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे, पिछले 7-8 दिन से हम लोग रोज साथ में घूम रहे थे, बट जर्मन्स इतना ज़्यादा ऑफेंड होने लग गए. फिर मुझे लगा ठीक है, मुझे थोड़ा सा फ्रेंच लोगों की तरफ अपना डाइवर्ट करना चाहिए अटेंशन, बिकॉज वो इतना गुस्सा था कि मुझे लग रहा था कि अब उठ के पंच आने वाला है मेरे मुंह पे, बिकॉज मैं कंटिन्यूस जोक्स क्रैक करते जा रहा था कि तुम लोगों ने ज्यूज के साथ क्या किया, तुम लोगों ने अपने पास्ट में क्या किया है, कितने लोगों को मारा है, तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले, बट फनी वे में बोलते गया. उसके बाद फिर जब मुझे लगा ओके ठीक है अब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं बस जेस्चर्स करते गया, या सो व्हाट वर यू सेइंग, ऐसे ऐसे, तो मैं ये सब करने लग गया. उसके बाद मैं फ्रेंच लोगों का मजाक बनाने लग गया, बिकॉज फ्रेंच पीपल वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वट एवर हैपन्ड एट दैट टाइम, तो मैं उनका भी मजाक बनाने लग गया. इनफैक्ट आई बिलीव फ्रेंच पीपल वर ऑल्सो वेरी वेरी बैड एट दैट पॉइंट, तो मैंने उनका और ज़्यादा मजाक बनाया, टिल अ पॉइंट कि दोनों फ्रेंच और जर्मन मेरे पे बहुत गुस्सा हो गए, एंड अब वो मुझे सुना रहे हैं. बाकी जो दो लोग वहाँ पे बैठे थे, एक US वाला बंदा भी था, तो उन्होंने उसको किसी तरीके से शांत कराया. बट फिर उसके बाद मुझे एक घंटे का लेक्चर मिला, वो लेक्चर मैं आपको नटशेल में बताना चाहूँगा क्या हुआ था. नटशेल में उन्होंने मुझे बोला कि व्हेन यू कम टू जर्मनी कभी भी ऐसी चीज़ के बारे में जिक्र भी नहीं करना, एंड जो तुम स्वास्तिक बनाते हो ना, मैंने बोला स्वास्तिक, बट मैं स्वास्तिक नहीं बनाता, आई एम अ मुस्लिम. तो उससे बोला एनीवे जो तुम स्वास्तिक बनाते हो वो नहीं बनाना, बिकॉज इवन दैट लुक्स लाइक अ सिंबल ऑफ नाजी, तो वहाँ पे नाजी का कोई रेफरेंस नहीं होता. मैंने उनको बार बार पूछा, तो क्या आप लोगों अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछते भी नहीं कि उस टाइम पे क्या हुआ? वो इतने शॉक हो गए कि उनके पास जवाब तक नहीं था. एंड इट इज़ ए रियलिटी कि उन लोगों ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ नहीं पूछा, उन लोगों को हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है, वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते भी नहीं है. इट्स लाइक वो था वो उस टाइम और वो चला गया, वो कोई बात नहीं करना चाहता उस बारे में. तो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो टू जर्मनी कभी भी ऐसा कोई रेफरेंस नहीं देना. एंड उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ स्टोरी सुनाई कि कुछ लोगों ने उन चीज़ों के बारे में बोला, एंड उसके लिए उन लोगों को पुलिस उठा के ले जाती है. इवन स्पीकिंग अबाउट दिस, पुलिस उठा के ले जाती है. इवन मेकिंग पब्लिक रेफरेंसेस, ऐसा अगर मैं कुछ थोड़ा सा हाथ ऊपर उठा दूँ और ऐसा एक रेफरेंस किसी भी सिटी के स्क्वायर में कर दूँ, तो उसके लिए भी पुलिस उठा के ले जाती है. तो मेक श्योर अगर आप जर्मनी जा रहे हो, डोंट डू, एंड इनफैक्ट फ्रांस में भी नहीं करना ये चीज़ें. दोनों फ्रेंच लोग और जर्मन लोगों से मुझे अच्छे से सुनाई दिया है, एंड डांट भी पिट चुकी है मुझे इस चीज़ के लिए. चेक दैट ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज, आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो.